Yesterday, we talked about the intensive form of the production function in Solow model and the Solow diagram. Today, let's take our discussion further. And we have reached till this particular point that this is what an equilibrium is, right? Where these two curves were intersecting. और यहाँ पर जो जिस कैपिटल लेबर रेशियो के ऊपर ये आके इक्विलिब्रियम में आ रहा है, उसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। ये स्टेडी स्टेट पर कैपिटा कैपिटल है कहते हैं। और हमने कल ये भी देखा कि अगर आप कहीं इस स्टेडी स्टेट कैपिटल से अगर थोड़ा सा कम से चालू करते हैं, देन यू विल स्लोली कन्वर्ज टुवर्ड्स दिस स्टेडी स्टेट। सिमिलरली, आप धीरे धीरे इस स्टेडी स्टेट की तरफ जाते चले जाएंगे। और अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम से कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप स्टेडी स्टेट की ओर जा रहे हैं। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ही तो ग्रोथ है, ग्रोथ इन योर कैपिटल लेबर रेशियो, राइट? तो जैसे जैसे आप स्टेडी स्टेट की तरफ जाते हैं, ये जो ग्रोथ इन कैपिटल लेबर रेशियो, ये कम होती चली जाती है। हमने ये भी देखा था कि अगर आप यहां से भी स्टार्ट करते हैं, तो भी आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टुवर्ड्स दिस स्टेडी स्टेट, राइट? मान लीजिए यू आर समवेयर हियर, तो उसके बाद फिर आप फिर और नीचे नीचे एंड सो ऑन, यू विल जस्ट कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट। सो द पॉइंट इज, आप चाहे इस स्टेडी स्टेट कैपिटल से लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी स्टार्ट करें, जो फोर्सेस हैं दे विल ब्रिंग यू बैक टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट। दैट इज वन। फिर दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप के स्टार पे पहुंच गए हैं, तो इसका ये अर्थ है कि अब ये स्टेडी स्टेट है, इक्विलिब्रियम है। अब यहां पे अब कोई ग्रोथ नहीं है कैपिटल लेबर रेशियो। तो अगर कैपिटल लेबर रेशियो में ग्रोथ नहीं है, तो जो आउटपुट है, आउटपुट पर कैपिटा है, वो भी तो इस कैपिटल लेबर रेशियो का ही पार्ट है। इस स्टेडी स्टेट कैपिटल लेबर रेशियो पे एक स्टेडी स्टेट आउटपुट लेबर रेशियो भी तो आएगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया, तो ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये आउटपुट लेबर रेशियो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है कि आउट पर कैपिटा आउटपुट में भी कोई ग्रोथ नहीं है। पर कैपिटा आउटपुट पे भी कोई ग्रोथ नहीं है स्टेडी स्टेट, राइट? और अगर पर कैपिटा आउटपुट पे ग्रोथ नहीं है, तो इसको कहने का एक तरीका क्या है? पर कैपिटा का मतलब क्या होगा? पर कैपिटा आउटपुट का आउटपुट अपॉन पॉपुलेशन, राइट? तो जो ग्रोथ रेट इन टोटल आउटपुट है, दैट इज इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तभी तो पर कैपिटा आउटपुट में कोई ग्रोथ नहीं होगी। तीसरी बात, आप अगर ध्यान से देखें, तो आप यही तो कह रहे हैं ना कि अगर ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं है, पर कैपिटा आउटपुट के ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटा आउटपुट का ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगा। क्यों कह रहे हैं हम ऐसे? क्योंकि स्टेडी स्टेट पे कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट है, आउटपुट लेबर रेशियो कैपिटल लेबर रेशियो के बराबर है। अगर कैपिटल लेबर रेशियो नहीं बढ़ रहा, तो आउटपुट लेबर रेशियो भी नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा आउटपुट का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगा। तो सेविंग्स रेट को बढ़ाना घटाने पर भी पर कैपिटा आउटपुट के ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली बात है जो सेविंग जो सोलो मॉडल कह रहा है। हाँ, बिल्कुल इसका उल्टा हैरेट डॉमर मॉडल ने कहा था। हैरेट डॉमर मॉडल कहते थे कि अगर सेविंग्स रेट को बढ़ाएंगे, तो पर कैपिटा आउटपुट का ग्रोथ रेट बढ़ेगा। ये तो कहा था ना उन्होंने, राइट? सेविंग्स रेट डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ग्रोथ रेट को। ग्रोथ रेट जो है वो सेविंग्स रेट पे डिपेंडेंट है। ऐसा यहाँ पे से यह सोलो ग्रोथ मॉडल में इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल को अज्यूम करा है, व्हाइल हैरेट डॉमर मॉडल में जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ कैपिटल नहीं थे। और क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ कैपिटल नहीं थे, तो कोई स्टेडी स्टेट के स्टार नहीं था। अगर आप ध्यान दें,
जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके का कर्व है, ठीक है, एक तो ये मेरी लाइन थी, एक ये लाइन है, ऐसे मान लीजिए लाइन ये वाली, और ये मेरा स्मॉल के स्टार। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने भर की बात बता रहा हूं, राइट। तो जितनी स्मॉलर होगी डिग्री ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो ये उतना ऑलमोस्ट ऐसे रहेगा, कर्व इस तरीके से बनेगा, जितनी स्मॉलर डिग्री ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स रहेगी। तो जो के स्टार है थोड़ा दूर जाके आएगा, ये जो स्मॉल के स्टार है थोड़ा दूर आएगा पहले वाले के स्टार, यहाँ पे जो ऊपर वाला कर्व है उसमें बहुत स्मॉलर डिग्री ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये जो के स्टार है थोड़ा लार्जर आएगा, जो इन्होंने लिया हैरेट डॉमर ने, तो कोई डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही नहीं लिया, तो इनका तो कहीं भी स्टेडी स्टेट आना ही नहीं है, तो ये कन्वर्ज कहाँ करेगा? Are you with me? यहां पर आप ये कह रहे हो यहाँ पे तो कन्वर्ज कर रहा है ना इस लाइन के साथ, यहाँ पे कन्वर्ज करने का क्यों नहीं? बिकॉज इन्होंने एक लिमिटिंग केस लिया, हैरेट डॉमर मॉडल ने एक लिमिटिंग केस लिया है एज कंपेयर टू जहां पे कोई डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल है ही नहीं, लेकिन सोलो ग्रोथ मॉडल ने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल लिए हैं, उसकी वजह से जो कैपिटल आउटपुट रेशियो वो एंडोजेनस बन जाता है, और उसकी वजह से ग्रोथ पे सेविंग्स का कोई असर नहीं। लेकिन ये कहना कि सेविंग्स का कोई असर ही नहीं है, ये बात भी गलत है, बिकॉज ये तो मान लेते हैं कि सेविंग्स का ग्रोथ पे कोई असर नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं होगी कि ये कहना कि सेविंग्स का लेवल ऑफ इनकम पे भी कोई असर नहीं। तो यहां से डिस्कशन अब लेवल इफेक्ट्स और ग्रोथ इफेक्ट्स की चालू होगी, हम इस पॉइंट पे रोकते हैं और इसको इस डिस्कशन को आगे अगली क्लास में लेके चलेंगे, जहां पे हम लेवल इफेक्ट्स और ग्रोथ इफेक्ट्स को देखेंगे, राइट। थैंक यू बेटा।